हाँ सर, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में ना मोर देन 50% सिमिलर है ग्रेविटेशन के जैसा फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहले वो सारे पोर्शन को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे रहती है उसके बाद। फंडामेंटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर चार्ज सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है सर। आवाज कट सबको आवाज नहीं सुनाई दे रही है सर। आ रही आवाज। आप अपने एंड पे एक बार देख लीजिए कनेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर चार्ज एंड स्टैटिक्स स्टैंड फॉर रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज के साथ क्या है, बहुत बार नाम सुन चुके होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कहां से आता है पॉजिटिव चार्ज और कहां से आता है नेगेटिव चार्ज? सर एब्सेंस ऑफ बोलिए कुछ। Absence of negative charge. बोलो। हेलो सर। बोलो ना, बोलना सुन रहा हूँ। सर नेगेटिव चार्ज यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव एटम में। हाँ, दुनिया में हर चीज एटम से मिलके बना है। हाँ, एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। जी सर। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। प्रोटॉन तो किसी चीज पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उस पर प्रोटॉन है, ऐसा सर ऐसा कुछ कह सकते हैं? मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से अगर रिजल्ट चार्ज पॉजिटिव। बोलो सर। आपका स्क्रीन थोड़ा जूम इन करो ना, वो दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं आ रहा स्क्रीन। कुछ चेंज हुआ दिखने में? हाँ सर बहुत अच्छा दिख रहा है सर, बहुत ज्यादा क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है। और पहले कम क्लियर था सर? रिलेटिवली हाँ सर। ठीक है, ये जल्दी बोल जिसको दिक्कत थी। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में, जैसा मैंने पहले कहा कि दुनिया में हर चीज
एटम से मिलकर बना है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, वही घूमता फिरता रहता है। प्रोटॉन तो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन हो ना हो, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज दुनिया में हर चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जैसे ये मार्कर है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो मोशन मूवमेंट तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है एक जगह से दूसरी जगह, प्रोटॉन का तो तभी होगा जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, जब तक न्यूक्लियस नहीं टूटेगा तब तक प्रोटॉन तो ही नहीं जाता है। तो जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी सर, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, प्रोटॉन फिक्स गए बिल्कुल सर, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हो वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही आता है, किसी एक ऑब्जेक्ट में उसके न्यूट्रल होने से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल होने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उससे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही है, इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी और एक्सेस से ही है अगर, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक सबएटॉमिक पार्टिकल है जिसको कि फर्दर हम नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक 1.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है या 10.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है या आया है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई भी एक्सचेंज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म में ही होगा, थ्योरेटिकली आप कुछ भी कह दो, लेकिन जो चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होगा। कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब अभी देखा चार्ज एट रेस्ट, मतलब इस चैप्टर में कोई भी चार्ज अगर रुका हुआ है मोशन में नहीं है तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ऑल फेनोमेना रिलेटेड विथ रिलेटेड टू चार्ज एट रेस्ट हम लोग देखेंगे। चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड है। फंडामेंटल कौन सा है? एम्पियर सर, करंट। हाँ सर, एम्पियर। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट है जी। लेकिन सुनने में डेफिनेशन में चार्ज ज्यादा फंडामेंटल लगता है, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ सर, तो लगता है कि चार्ज फंडामेंटल होगा और करंट डिराइव्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है या जो भी मतलब पहले डिसाइड किया होगा। तो ये कंफ्यूजन याद रहे इसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट I इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ by dt। तो ये जो dQ है दिस इज करंट इनटू dt, तो इसमें से ये जो करंट I है ये है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो चार्ज है ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कॉपी कर लीजिए जरा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े। हाँ सर। तो जैसे ग्रेविटेशन में फंडामेंटल लॉ था न्यूटन्स लॉ, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल लॉ है जिसको कूलम्स लॉ कहते हैं। सो ये सब कूलम्स लॉ ये सब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये सब आपको पता है पहले से। कोई एक चार्ज है Q1, कोई दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर R है तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा होगा। तो 1/4π एप्सिलॉन, ये सब लोगों को पता है। कूलम्स लॉ सबको मालूम होगा या नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पर अगर Q1 इनटू Q2 पॉजिटिव है तो Q1 इनटू Q2 पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों का साइन सेम होगा, either both positive or both negative, tabhi hoga. That is like charges. To agar Q1 Q2 positive hai to us case mein ye force positive milega, jiska matlab hai repulsive nature ka hoga. और यही Q1 into Q2 नेगेटिव होगा तो उस केस में दोनों का अपोजिट साइन होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये हो गया अनलाइक चार्जेस। इस केस में फोर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव फोर्स मतलब अट्रैक्टिव। अब ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब याद करो जरा सा कि वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते थे तो -gm1m2/r3 × r ऐसा लिखते थे। तो भाई साहब याद है ग्रेविटेशन का फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का था? यस सर। इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। yes, ये कूलम्स लॉ का फंडामेंटली अगर देखोगे तो चार्ज Q1 Q2 की जगह M1 M2 है, कैपिटल G की जगह दूसरा कांस्टेंट 1/4πε0 है, बट इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा उसमें था वैसा ही है, तो केवल सिंबल का फर्क है, अदरवाइज फंडामेंटली कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम है। हाँ सर। है ना? तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते थे, वैसे ही इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन करेंगे। फंडामेंटल लॉ वही है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट शेप साइज के लिए सिमिलर रिजल्ट होगा जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का था। तो एक एक करके जितना फील्ड और पोटेंशियल ग्रेविटेशन में देख चुके हैं वो सारे फील्ड और पोटेंशियल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये समझ लें कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों मैथमेटिकली सिमिलर है। दूसरी सिमिलरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन था कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस इज q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऐसा लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज फोर्स अपॉन q। ये जो डेफिनेशन हम लोगों का ग्रेविटेशनल फील्ड का था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड 1 केजी दैट इज यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उसी के सेंस में इसको भी लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा लिख सकते हैं, कॉमन सेंस है। अब देखो चार्ज के साथ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मास के साथ ऐसा नहीं था, तो किसी भी मास पर फोर्स का डायरेक्शन वही होता था जो वहां पर के ग्रेविटेशनल फील्ड का है, लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, बट अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। दैट इज अगर पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, बट नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड से एक डिफरेंस ये समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस a force in the direction of field, but negative charge in the direction opposite to field. ये common sense है? ऐसा होगा? तो positive charge पर field के direction में force लगता है, but negative charge पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये एक डिफरेंस हो गया ग्रेविटेशन से। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। सर सेकंड लाइन में एंड में क्या लिखा है? एंड नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। सर वो ऑफ फील्ड बट उसके आगे क्या लिखा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। ओके सर।
अभी रेज कर लो। हाँ सर। हाँ सर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो इसमें भी आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो कोई भी पोटेंशियल मैंने कहा था वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, यही कहानी था विद माइनस साइन, यही डेफिनेशन पोटेंशियल का बताया था। तो इसमें भी वही होगा, E is equal to minus dV by dr, ये फील्ड और पोटेंशियल में फॉर्मूला, फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, E is equal to minus dV by dr, जो पहले था वही रहेगा, रहेगा ना। अब देखो जरा सा याद करो, एक एग्जांपल, अच्छा इसी को थोड़ा ये भी कर देते हैं। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं जैसा उसमें लिखा था, अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस डीवी बाय डीएक्स आई कैप माइनस डीवी बाय डीवाई के कैप माइनस डीवी बाय डीजेड के कैप, ये पहले भी था अब भी है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। अब तो इसको लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझो, जैसे पॉइंट पॉइंट मास था, तो पॉइंट मास के कारण लिखना मतलब पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आया था, माइनस जी एम बाई आर, ऐसा आया था। ग्रेविटेशन में पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल आया था माइनस जी एम बाई आर। हाँ सर। तो इस पोटेंशियल का फील्ड कौन सा था, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब Q जब नेगेटिव हो तो पोटेंशियल नेगेटिव आना चाहिए। हाँ सर। तो पॉइंट मास के लिए अपने केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए पॉइंट मास का शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। पॉइंट मास पॉइंट चार्ज, सॉरी पॉइंट चार्ज, ध्यान से समझना। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q है तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर इसी पॉइंट P पर फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा K, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा फील्ड का फॉर्मूला। बोलिए। हाँ सर। कूलम का चार्ज रखेंगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यही होगा। हाँ सर। और पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, वैसे ही 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अब अगर क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, क्यू अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, है ना। जब चार्ज नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्टिव फील्ड होगा, और अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल नेगेटिव था याद होगा, माइनस जी एम बाई आर।
यस सर। क्यू नेगेटिव होगा तो बी नेगेटिव होगा, क्यू पॉजिटिव होगा तो बी पॉजिटिव होगा। ग्रेविटेशन से भी आसान है, इसमें कोई प्लस माइनस साइन याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड और पोटेंशियल आपको मिल गया। ये दोनों एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। सर एक बार फिर से बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। हां, पॉइंट पी पर प्लस वन कूलम्ब का एक चार्ज रखो तो कैपिटल क्यू इस पर फोर्स कितना लगाएगा? तो कूलम्ब लॉ से के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्यू टू की जगह वन है ना, तो के दैट इज वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हाँ सर, है ना। पोटेंशियल क्या होगा? तो इंफिनिटी से वहां तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो बार करना पड़ा, है ना। तो अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। और अगर Q नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो अगर Q नेगेटिव होता और फोर्स अट्रैक्टिव होता तब तो ये एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन वाले एक्सप्रेशन से मैच करना चाहिए। हाँ सर। और ग्रेविटेशन वाला एक्सप्रेशन में था माइनस जीएम बाई आर, मतलब Q नेगेटिव होने पर नेगेटिव होना चाहिए। हाँ राइट, ठीक। और Q पॉजिटिव होने पर पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ। तो V इज KQ बाय R। क्लियर है या डिराइव कर दो? डिराइव भी हो जाएगा, बहुत आसान है। नहीं सर समझा। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर डिफरेंट शेप साइज के लिए फील्ड और पोटेंशियल अभी लिखते हैं। जल्दी से पहले इसको कॉपी कर लीजिए। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर हो गया। तो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड और पोटेंशियल आपको पता चल गया। अब देखिए फील्ड और पोटेंशियल ग्रेविटेशन में हम लोगों ने रिंग के कारण, डिस्क के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण, लाइन लीनियर मास रॉड के कारण सबके लिए निकाला था, तो वो सारे फॉर्मूले इसमें भी होंगे। सबका डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल सिंबल का ही फर्क है,
कैपिटल जी की जगह 1/4 pi epsilon naught है और चार्ज मास की जगह चार्ज है। इसके अलावा फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उन सारे फॉर्मूले को जस्ट हम लोग सिर्फ एक बार लिख लेंगे, एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद की कहानी लेक्चर स्टैटिक्स की चलेगी। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट मास का तो मालूम है, तो पॉइंट मास को रहने दे। पॉइंट मास का हो गया, तो सबसे पहले इसका देखते हैं। सपोज ये एक रॉड है, जिस रॉड पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, यहां से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहां पर मुझे फील्ड और पोटेंशियल चाहिए, जिसमें से ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ग्रेविटेशन में ये कर चुके हैं, कर चुके हैं ना। समझ लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इस केस में मुझे फील्ड का फॉर्मूला बताइए, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से देख के ही बताइए कम से कम, मतलब खुद लिख लीजिए, मुझे मत बताइए। फील्ड का फॉर्मूला और पोटेंशियल का फॉर्मूला दोनों देख के बताइए। सर माय नहीं क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught r इसमें लैम्डा है ना दिया हुआ। अच्छा लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। हाँ ठीक है सर, तो लैम्डा अपॉन 4 pi epsilon naught r इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस लैम्डा अपॉन 4 pi epsilon naught r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। इधर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप। ऐसा कुछ फील्ड का एक्सप्रेशन आया था, देख के बताइए जरा जल्दी। और पोटेंशियल का क्या था? Not defined. Potential difference तो निकाल सकते हैं, इस केस में किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, है ना? याद आया कुछ? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो केवल इसी पे बेस्ड जो फॉर्मूला मैंने अभी सामने लिखा है, सिर्फ इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक इनफाइनाइट रॉड है जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन है, ये एक दूसरा इनफाइनाइट रॉड है दोनों परपेंडिकुलर रखा हुआ है जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा टू है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आर डिस्टेंस टू थीटा एंगल पर कोई पॉइंट बी है, इसको ओरिजिन को पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ resulting electric field is along OP, then find value of तो ये थीटा कितना होगा कि अगर फील्ड रिजल्टेंट इन दोनों का इसी ओपी लाइन के अलोंग है, तो कोशिश करो।
बोलो आया किसी को? बोलिए आया किसी को? अरे सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, पता नहीं तुम लोग। देख इधर, ये जो लैम्डा वन है, इस लैम्डा वन में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा बीटा दोनों 90 होगा। हाँ सर। तो इसका फेल केवल आई कैप में होगा इधर। Let it be even. इसी तरह इसका फेल केवल इधर होगा, let it be E2. और इस even E2 का रिजल्टेंट इसी लाइन में होना चाहिए। हाँ सर। तो tan theta क्या होगा? सर एक सेकेंड। E2 by even होगा। E2 की वैल्यू कितनी होगी? फॉर्मूला में लैम्डा 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 इनटू 2। 2 मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 1 प्लस 1 मिला के 2 होगा। उसी तरह इवन कितना होगा? तो लैम्डा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 इनटू 2। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इनटू आर 1 अपॉन आर 2। आर 1 क्या हुआ? आर 1 हुआ ये वाला डिस्टेंस, आर 2 हुआ ये वाला डिस्टेंस। होगा आर 1 आर 2, समझ आ रहा है? हाँ सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, तो ये आर है ये थीटा है, तो आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा के बराबर। आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर कॉस थीटा के बराबर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। आर 1 दैट इज आर कॉस थीटा, आर 2 दैट इज आर साइन थीटा, तो कॉस बाय साइन कॉस थीटा। tan theta is equal to lambda 2 by lambda 1 cot theta, मतलब tan square theta is equal to lambda 2 upon lambda 1. So tan theta is under root lambda 2 upon lambda 1. So theta is equal to tan inverse under root lambda 2 upon lambda 1. एकदम formula based question था। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो बताइए। तो ये जो फॉर्मूला हो गया
लाइन चार्ज के कारण इसको यूज करने से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। इरेज करूं? ये हो गया लाइन चार्ज के कारण। दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद बताइए। ये एक रिंग है, इस रिंग पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, रिंग का रेडियस आर है। तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पर इस पॉइंट पी पर फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? हाँ सर। तो फील्ड एट पी एंड पोटेंशियल एट पी ग्रेविटेशन में क्या था, सिमिलर है? तो एक तो ये रिंग का आप लोग खुद लिख के, मुझे नहीं आता सिर्फ आने कम से कम नीचे का फॉर्मूला तो रिवाइज करोगे। रिंग जब हो जाएगा तो डिस्क के लिए भी डिराइव किया था, याद है? मींस इस केस में इस डिस्क के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस डिस्क का रेडियस कैपिटल आर और इसके एक्सिस पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी है, यहां पर मुझे फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रिंग और डिस्क के लिए ये दोनों, अच्छा यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, यहां पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। ये दोनों फॉर्मूला कम से कम ग्रेविटेशन देख के लिखिए तो सही। तक मैं इस मार्कर में इंक डाल दूं, ब्लैक वाला देख के लिख सकते हो ना, नोटबुक देख के? हाँ सर। जल्दी देख के बताइए सर। फर्स्ट वाले का फील्ड है लैम्ब्डा स्मॉल आर अपॉन टू पाई आर। पूरा क्या बताना, मुझे नहीं मालूम। ठीक है सर। उसमें क्यों लिखा होगा, उसमें सॉरी एम होगा तो एम अपॉन टू पाई आर लैम्डा हो गया। इसमें उसमें मास के टर्म में था ना, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो मास की जगह चार्ज।
बोलो रिंग और डिस्क दोनों का हो गया फील्ड और पोटेंशियल। बोल भाई कोई तो बोलो। रिंग के कारण फील्ड आया होगा जी, जी की जगह की means 1/4 pi epsilon naught, ठीक है। उसके बाद मास, तो मास की जगह चार्ज into x upon x मतलब अपने केस में r होगा small r upon r square plus small r square to the power 3/2, ऐसा कुछ था। अब ये expression था GMR upon R square plus R square to the power 3/2 mass के लिए। तो G की जगह 1/4 pi epsilon naught, mass की जगह Q, यही put किया है। लेकिन यहाँ lambda दिया हुआ है, that is charge per unit length। तो lambda को हम क्या लिखेंगे? Q upon 2 pi R लिखेंगे। बोलिए। इसका मतलब है Q is lambda into 2 pi R, तो Q की जगह lambda into 2 pi R अगर आप लिख देंगे तो lambda into capital R into small r upon 2 pi गया तो 2 बचेगा, तो 2 epsilon naught R square plus R square to the power 3/2, ऐसा कुछ मिला फील्ड का रिलेशन, किसी को आया था? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो पोटेंशियल क्या बताइए आप? माइनस के लैम्डा अपॉन इसमें माइनस तो नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले माइनस चला गया। के की जगह 1/4 pi epsilon naught, हाँ आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा था फॉर्मूला शायद? हाँ सर। तो जी की जगह 1/4 pi epsilon naught, हाँ सर। m की जगह q, that is lambda into 2 pi r, है ना? तो g m upon distance r square plus small r square to the under root, यही था? हाँ सर। तो ये 2 से 2 जाएगा, so lambda r upon 2 epsilon naught under root R square plus R square, ये हो गया potential at point B। ये ring में किसी को कोई दिक्कत है?
बोलिए रिंग में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आइए डिस्क का, तो डिस्क के केस में फील्ड याद है आप लोगों को, बताओ कुछ जी एम इंटू वन माइनस स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ग्रेविटेशन में डिस्क के फील्ड का डेरिवेशन देखिए क्या रिजल्ट आया था। टू जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर फिर ब्रैकेट में वन बाई पहले जी स्मॉल आर माइनस था तो जी की जगह वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर एम था तो एम की जगह क्यू, नीचे में फिर आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर ऐसा था। हाँ सर टू था, टू भी था, यहाँ टू था क्या? हाँ सर। और यहाँ पर था वन माइनस न्यूमरेटर में स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन था? बोलिए ऐसा कुछ था? सब गलत लग रहा है। हाँ सर यही था GM by 2 R square bracket में 1 minus sir 2 denominator में नहीं है सर 2 numerator में था। यहाँ पर Q की value क्या हो जाएगी? चार्ज पर यूनिट एरिया into pi R square, Q की ये value यहाँ पर put कर, यहाँ पर Q ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया डिस्क के केस में फील्ड का फॉर्मूला। इसी तरह ग्रेविटेशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है उसको कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि दो बार याद रखने की जरूरत ना हो।
पोटेंशियल देख लो भाई फार्मूला में, तुमने पुट करके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r, ऐसा कुछ पोटेंशियल का फार्मूला आएगा। ये हो गया डिस्क की कहानी। चाहो तो ये सारे फॉर्मूले को दोबारा से डिराइव करके देख सकते हो जैसा ग्रेविटेशन में किया था, सेम वही कहानी करनी है। डिस्क का फॉर्मूला वैसे बहुत ज्यादा यूज होगा नहीं, रिंग का तो थोड़ा बहुत होता भी है। तो ये 2 और 3 लिख लो, फिर हॉलो और सॉलिड स्फीयर को देखते हैं, फिर डाइपोल देखते हैं। एक सेकंड। हाँ सर। एक सेकंड। हाँ सर। मत लिखना, अब मैं तुम लोगों को एकदम पहले ग्रेविटेशन वाला लिख के दिखाता हूँ, तब ऐसे मत लिखना, मैं समझ गया। मान लो हॉलो स्फीयर है, बिल्कुल मत कॉपी करना, चेंज करूंगा मैं। तो ग्रेविटेशन में जो हॉलो स्फीयर होता था उसमें स्फीयर के अंदर मास नहीं होता था, है ना? इसमें हॉलो स्फीयर बोलेंगे या इसी को कंडक्टिंग स्फीयर बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही बात होता है। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये हुआ कि स्फीयर में भले ही मास हो लेकिन चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पर रहेगा। कोई भी सरफेस अगर कंडक्टिंग है तो उस केस में चार्ज उसके वॉल्यूम में नहीं, हमेशा आउटर सरफेस पर ही होता है। तो ग्रेविटेशन से कंपेयर करें अगर इस प्रॉपर्टी को, तो हॉलो स्फीयर के जैसा है, इसका रेडियस है r। अब देखो लिखना मत अभी, जस्ट पहले मैं आपको वही ग्रेविटेशन वाला ही याद दिला दूं तो बहुत। हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता था, सेल थ्योरम से याद है? बोलो। सर याद है। हॉलो स्फीयर के अंदर सेल थ्योरम से फील्ड जीरो होता था और बाहर फील्ड पॉइंट मास के जैसा होता था। तो पॉइंट लिखना मत, पॉइंट मास के कारण कैसा होगा? तो जी एम बाई आर स्क्वायर ऐसा होगा, ग्रेविटेशन के कारण। तो यहाँ पर क्या करेंगे, g की जगह 1/4 pi epsilon naught लिख दिया, ठीक है? मास की जगह चार्ज, तो अगर इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू 4 pi R² ये चार्ज हो गया। तो gm अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर ऐसा होगा, दैट इज 4 पाई गया, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन स्मॉल R²
ये कब होगा जब स्मॉल आर इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल आर, और जीरो कब होगा इसके अंदर, वही कहानी है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता था इनसाइड पॉइंट पर, पोटेंशियल वही होता था जो सरफेस पर है ना, तो सरफेस पर पोटेंशियल था जी एम बाई कैपिटल आर, ऐसा था, तो इसी को ठीक करते हैं, जी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम की जगह क्यू, और कैपिटल आर की जगह कैपिटल आर, क्यू अगेन क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ये एक आ गया सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कहां पर इनसाइड सारे पॉइंट पर, आउटसाइड सारे पॉइंट पर, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा तो क्या लिखेंगे जी कैपिटल एम अपॉन आर, ऐसा लिखेंगे स्मॉल आर सॉरी ऐसा लिखेंगे, तो अब जी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल एम टोटल मास की जगह टोटल चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो जी एम अपॉन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर तो देखो ये 4 पाई गया, तो इसमें हो गया सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये तब होगा जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा या बड़ी है सर। और हॉलो स्फीयर के कारण फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखने आ गया। हाँ सर। बोलो कुछ पूछ रहा था। अच्छा ग्राफ भी देख लो, ग्राफ अगर देखेंगे फील्ड का देखेंगे तो फील्ड अंदर में जीरो होता है, तो यहां से यहां तक जीरो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, उसके बाद डिक्रीज करेगा 1/r² से। पोटेंशियल का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक पोटेंशियल कांस्टेंट, उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा, तो ये पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ हो गया, ये फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ हो गया। आया समझ में? हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? कुछ नया नहीं, केवल ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना है और एम की जगह क्यू रखना है, केवल ये दो चेंज करने आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्ट ऑफ द वर्क डन है। आगे बढ़े सर, दूसरे ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या है?
रिप्लेस करूं? हाँ सर। यही अगर होलो की जगह सॉलिड स्फीयर रहे, केवल यही सीख रहे हैं कि कैसे ग्रेविटेशन के फॉर्मूला को इसमें लिख लेते हैं, इतने में ही हमारा काम चलेगा। तो होलो की जगह सॉलिड रहे, तो सॉलिड का मतलब चार्ज के केस में वो हुआ जिसमें कि चार्ज सरफेस पर नहीं थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो चार्ज अगर थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सरफेस पर नहीं है, इस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ग्रेविटेशन से अगर कंपेयर करने जाएंगे तो इसको सॉलिड स्फीयर बोलेंगे और इसमें इसको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चार्ज कंडक्ट होकर सरफेस पर नहीं चला गया, हमेशा थ्रू आउट द वॉल्यूम है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये रो है। एक बार लिख देता हूं ताकि वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो q को लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 πr³, ऐसा लिखेंगे। अब ये फील्ड और पोटेंशियल, दो मिनट खुद लिखने की कोशिश करो। केवल जो फॉर्मूला आपका ग्रेविटेशन का है उसमें मास की जगह चार्ज पुट करना है और जी की जगह 1/4 πε₀। खुद कोशिश कीजिए, जरा सा दो मिनट का टाइम दिया, नहीं तो फिर तो मैं तो लिख दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि पर्पस है आपको सिखाना है उसी फॉर्मूले को कैसे, नहीं तो बहुत सारा फॉर्मूला कौन रटेगा बार बार। सनत
ट्राई कर लिया आप लोगों ने, मैं बताऊंगा आप। सर एक सेकेंड, ट्राई कर लो फिर मैं लिखूंगा तो मैं डाल देना। চা বানাতে পারিস? চা দিয়ে দেন। বাতাও হো গিয়া। देखो जस्ट देखो मैं कैसे लिखता हूं। इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशन में, जस्ट देखना मैं लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशन में फील्ड का फॉर्मूला था जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एक्स, ऐसा कुछ था। एक्स मतलब स्मॉल आर अपने केस में, ऐसा कुछ था आया ना, बोलो तो सही भाई। यस सर। तो जी की जगह मैंने लिख दिया 1/4 pi epsilon naught, लिख दिया। मास की जगह टोटल चार्ज, दैट इज डेंसिटी इनटू 4/3 pi r³ अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, ऐसा लिख दिया। 4 pi r³ epsilon naught छोड़ के आ गया, तो ये हो गया rho upon 3 epsilon naught into small r, ऐसा मिल गया फॉर्मूला for small r less than equal to r के लिए। आया समझ में? कोई दिक्कत? आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला था ऐसा, जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर ऐसा था, है ना? यस सर। तो जी की जगह 1/4 pi epsilon naught, एम की जगह क्यू, दैट इज डेंसिटी इनटू 4/3 pi R³ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई गया तो इसमें मुझे मिल गया कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 r² ये फॉर्मूला मिल गया मुझे आर ग्रेटर इक्वल टू आर के लिए, ठीक है? पोटेंशियल, इनसाइड वाला पोटेंशियल तो बहुत लंबा था आपको याद होगा, तो इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या क्या फॉर्मूला था? इनसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या क्या फॉर्मूला था? और 3 R² - r² / इधर क्या था? gm upon 2 r² ऐसा था? सर इनटू 3 R² - r²
ऐसा था? हाँ सर। पक्का? मुझे नहीं याद है। R is equal to 0.3/2। हाँ ये सर सही तो कर रहा है। ठीक है, तो G की जगह क्या लिखेंगे? 1/4 pi epsilon naught यहीं पे लिख देते हैं। G की जगह उधर फाइनल रिजल्ट 1/4 pi epsilon naught। M की जगह Q, that is sigma into 4/3 pi r³ upon 2 r² into 3 r² minus small r² ऐसा कुछ। तो ये 4 pi गया, ये r स्क्वायर में से 1 r गया, rho into r upon 6 epsilon naught 3 r² minus small r² ऐसा कुछ। तो ये मुझे मिल गया rho r upon 6 epsilon naught 3 r² minus small r² ऐसा कुछ होगा। ये मेरा रफ वर्क है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसा किया कि नहीं वो चेक करने के लिए किया था। तो मेरे हिसाब से ऐसा होगा, वेरीफाई कर लेंगे आंसर। ग्रेटर देन आर में, ग्रेटर देन आर में क्या होगा? पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ये ऐसा जी एम अपॉन स्मॉल आर, तो जी की जगह 1/4 pi epsilon naught, एम की जगह क्यू दैट इज रो अपॉन 4/3 pi r³, और नीचे स्मॉल आर, तो 4 pi गया, सो रो आर क्यूब अपॉन 3 epsilon naught आर, तो रो आर upon 3 epsilon naught r ऐसा होगा। r greater equal to r के लिए है ना, तो ये आपका सॉलिड स्फीयर के लिए या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, जो मैं बोलूंगा अलग से याद मत रखिए, आप इसी मेथड से हमेशा बार बार कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो दो डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होगी। अब एक बार मैं इसकी वैल्यू चेक करके देख लेता हूँ, यही है यार कुछ और सर वो फील्ड वाले फॉर्मूले में सेकंड वाले में डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए ना? क्या बोल रही हो? फील्ड वाले में सेकेंड वाले फॉर्मूले में आउटसाइड स्फीयर वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए। अच्छा अच्छा मैं भूल गया, हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? ये वाला ऐसे दोनों फॉर्मूले में आपने स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर वाला भी लिया है कहाँ पर बेटा? दोनों फील्ड में, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर दोनों में है? दोनों में होगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर करो तो दोनों सेम आता है। हाँ अच्छा, दोनों सेम आता है ना, ये मैथ्स के लैंग्वेज में कंटिन्यूअस फंक्शन है, ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, ग्राफ भी ड्रॉ करके बताता हूँ, ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा, तो दोनों में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पोटेंशियल के फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कुछ गलत है। पोटेंशियल के फर्स्ट वाले फॉर्मूले में कुछ गलत है ऐसा? हाँ उसके डायमेंशन सही नहीं आ रहे सर। डायमेंशन सही नहीं आ रहे हैं। यू
डेंसिटी के डिनोमिनेटर में q होगा, न्यूमरेटर में फिर हो सकता है, कुछ चेक कर लेता हूँ, कोई देखना बुक में देखना, मैं तो बुक भी नहीं रखता, उनको देख लेता हूँ, बुक निकालना है, और नहीं तो एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या हो गया। यहाँ पर है डेंसिटी, डिनोमिनेटर में आर क्यूब और ये भी आर क्यूब ऊपर भी आ गया, हाँ कुछ है गड़बड़, ये आर शायद नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, और नहीं तो पोटेंशियल चेक कर लेते हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो दोनों सेम आता है क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो 3 - 1 2 पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जी एम अपॉन टू आर इंटू gm upon 2r cube into 3r square minus small r square। एक बार पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो तो सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड पॉइंट पर यही था क्या? हां सर यही फॉर्मूला था। हां पक्का? तो इसमें वैल्यू पुट करनी है तो g की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m की जगह डेंसिटी into 4/3 pi r cube upon 2r cube into 3r square minus small r square to 4 pi r cube ये हो गया rho upon 3 to the 6 epsilon naught। अच्छा ये r नहीं होगा, ठीक है, दिख गया मिस्टेक? हाँ सर ये r नहीं होगा। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। अब एक बार ग्राफ देख लो इसका, तो पहले फील्ड का ग्राफ, इधर फील्ड इधर पोजीशन आर, ये डिस्टेंस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, कहाँ तक, जहां तक रेडियस कैपिटल आर के बराबर हो जाए, उसके बाद आर स्क्वायर के स्पेसिफिक कांस्टेंट है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसके बाद ऐसा ग्राफ होगा फील्ड का, क्लियर? यस सर। पोटेंशियल का देखो, जब आर आर से छोटा है तो ये हो गया माइनस आर स्क्वायर, दैट इज पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कहां तक, आर तक, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, तो उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा, तो ये हो गया पोटेंशियल वी और आर के बीच का ग्राफ। वैल्यू याद रखने के लिए देख सकते हो सरफेस पर जितना वैल्यू होगा उसका 1.5 सेंटर पे होता है, यहाँ अगर सरफेस पर वी नॉट है तो यहाँ पर 3/2 देखोगे, 3/2 1.5 याद रह गया मुझे, तो आपको याद रह जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होती है, तो यहाँ पर 1.5 वी नॉट होगा, तो ये पोटेंशियल वर्सेस पोजिशन का ग्राफ हो गया, ये फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ हो गया।
रेज करूं? हो गया सर। तो यहां तक तो आपको जो ग्रेविटेशन का यूज होता था वो ऐसे कर दिया। अब नया कॉन्सेप्ट तो ग्रेविटेशन में नहीं था क्योंकि ग्रेविटेशन में मास था, मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, केवल पॉजिटिव ही हो सकता है, बट चार्ज के केस में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि ग्रेविटेशन में नहीं था। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको है, तो कोई एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेटेड है, तो इस सिस्टम को हम लोग वन डाइपोल कहते हैं। इस डाइपोल में ये जो इनका सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। लाइन जॉइनिंग पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो रेड वाली लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और इसका डेफिनेशन होगा, डाइपोल का डेफिनेशन होगा टू Equal and opposite charges separated by a small distance दो इक्वल अपोजिट चार्ज का सिस्टम जिसके बीच डिस्टेंस कम हो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ध्यान से सुनना सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सराउंडिंग में फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सराउंडिंग में पोटेंशियल भी होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम चार्ज से समझने जाएं तो नेट चार्ज तो जीरो लगेगा हमें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज तो जीरो है बट इसके कारण फील्ड और पोटेंशियल दोनों होता है। तो डाइपोल के कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी गई जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ये भाई केमिस्ट्री में भी ये वर्ड यूज हुआ होगा, डाइपोल मोमेंट। आया ना डाइपोल इंटरैक्शन केमिस्ट्री में पढ़े हो? हाँ सर। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, पहली चीज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पी के ऊपर ऐसा डिनोट करते हैं। सो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी, पूरा डेफिनेशन वाला डेफिनेशन ये लिखता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो
along axis from negative to positive charge. ये इसका डायरेक्शन होता है और ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया गया है जिसके बेसिस पर डाइपोल के कैरेक्टरिस्टिक सच एज फील्ड पोटेंशियल टॉर्क एनर्जी धीरे-धीरे देखेंगे ये हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब डाइपोल के कारण फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताता हूं। आगे बढ़े। हाँ सर। फिनिश कर दूं? हाँ सर। ठीक। नोट में लिखिए। नोट। इफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस If a system of charges consists of two or more than two electrical dipoles in it. Then dipole moment of the system will be vector sum of all individual dipole moments, all individual dipole moments that is
डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर, जितने भी डाइपोल बन सकते हैं सिस्टम में, प्लस पी थ्री वेक्टर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन आपकी बुक में एससीवी में शायद 65 या 66 नंबर क्वेश्चन होगा शायद। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तीन चार्जेस हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये तीनों चार्जेस मिलाकर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसका की साइड लेंथ ए है। उसमें से ये चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस टू क्यू। तो आपसे पूछा है फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, कोशिश कीजिए। सर रूट थ्री ए क्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड भी बताइए, डायरेक्शन भी बताइए, सब बताइए, या वेक्टर फॉर्म आई जे में बताइए ज्यादा अच्छा है। अगर आप ऐसे समझ लीजिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो आई कैप जे कैप में बताइए। सर माइनस ए क्यू आई कैप माइनस रूट टू ए क्यू आई कैप, माइनस कैसे आएगा बेटा, माइनस आई कैप तो होगा ही नहीं। अच्छा टू है, you
सबने किया है अटेम्प्ट? सर मैग्नीट्यूड रूट थ्री है, देखते हैं पता नहीं। इसमें से ये माइनस क्यू एक और ये प्लस क्यू एक मिलकर एक डाइपोल बन गया, रिमेनिंग माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मिलकर दूसरा डाइपोल बन गया, दो डाइपोल है, तीसरा डाइपोल नहीं है, है ना? दो डाइपोल है, इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं है सर, नहीं डाउट है सर। ये वाला डाइपोल मोमेंट का डाइपोल पी इधर हो गया और दूसरा वाला डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी इधर हो गया, दोनों पी का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्यू इंटू ए के बराबर, और इन दोनों के बीच ये एंगल है 60 डिग्री। डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, बताया था अभी सर। नेगेटिव टू पॉजिटिव है ना? हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम के डाइपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं ऐसा, पी प्लस P cos 60 i cap plus P sin 60 j cap, ऐसा लिख सकते हैं? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। बोल भाई, ये P का cos 60 cos नहीं सर, क्लियर है, साथ ऐड हो जाएगा, sin 60 ऐसे रहेगा, P plus P cos 60 j cap और P sin 60 j cap, cos 60 1 by 2, तो 1 plus 1 by 2, 3 by 2 P i cap plus sin 60 root 3 by 2, तो root 3 by 2 P j cap, मतलब P by 2 common ले लेंगे, तो 3 i cap plus root 3 j cap, P होगा कितना? तो magnitude of charge multiplied by distance between them, that is QA, so Q into A upon 2 into 3 I cap plus root 3 J cap, ये कुछ आंसर होगा। आया समझ में सर? लेकिन नेगेटिव चार्ज 2Q है ना? क्या बोल रहे हो? नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 है ना? माइनस 2Q, हाँ। तो सर आपने चार्ज डाइपोल का डेफिनेशन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो माइनस टू क्यू में से एक क्यू इस प्लस क्यू के साथ मिलकर डाइपोल बनाएगा और दूसरा जो माइनस क्यू बच गया वो उस प्लस क्यू के साथ डाइपोल बनाएगा, तो दो डाइपोल बन रहे हैं। हाँ सर। सर अगर माइनस टू की जगह माइनस थ्री होता तो क्या होता? किसकी जगह? माइनस टू की जगह माइनस थ्री क्यू होता। माइनस टू क्यू की जगह? हाँ, माइनस थ्री, तो भी दो ही डाइपोल बनता, तीसरा नहीं बनता, तीसरा चार्ज खाली रहता। अच्छा ठीक है सर। आगे बढ़े, हाँ सर। एक और क्वेश्चन कीजिए।
ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस आर है। इसको ओरिजिन पकड़ लो समझने के लिए, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो फर्स्ट हाफ में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव, और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। इसके नेक्स्ट हाफ में इधर चार्ज नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा ही है ना। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट आपको बताना है। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आई कैप जेकैप में इसका डाइपोल मोमेंट बताइए। सर दोनों साइड चार्ज लैम्ब्रा है। क्या बोल रहे हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? जोर से बोलिए। चार्ज कितना है सर? क्या कितना है? चार्ज चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्रा है ना लिखा हुआ, राइट साइड में प्लस लैम्ब्रा, लेफ्ट साइड में माइनस लैम्ब्रा। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है।
बोलिए बोलिए देखिए सुनिए अगर हम ऐसे सोचें तो जे कैप का जीरो होगा क्या? हाँ जे कैप जीरो होगा। यहां से थीटा एंगल पर छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लिया तो ये एक चार्ज हो गया डी क्यू और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर एक ले लिया तो ये दूसरा उतना ही ठीक उतना ही माइनस डी क्यू चार्ज हो गया हाँ या ना? हाँ सर। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गया सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो रेडियस अगर आर है तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2r sin थीटा। तो केवल ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का अगर हम डाइपोल मोमेंट dp लिखे तो ये क्या होगा dq इनटू 2r sin थीटा इधर की ओर i कैप। हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ऐसे ऐसे जितने पेयर बन रहे हैं सब पेयर का डाइपोल मोमेंट तो i कैप में ही है। तो सिस्टम में जब मोर देन वन डाइपोल हो तो सबके डाइपोल मोमेंट को वेक्टोरियली ऐड करते हैं। तो सबका वेक्टर अगर अलोंग आई कैप मुझे आ रहा है तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो ऐड हो जाएगा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू टू आर इंटू साइन थीटा इंटू आई कैप ये हो गया डी पी। इसको दोनों और इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रल dp दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा। कहां से कहां तक? थीटा 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रेंज कवर हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से पाई बाय 2 तक। तो ये हो गया p, ये हो गया 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2। तो कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है तो ये सब मिला के हो जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप। ये पी का आंसर हो जाएगा। आया समझ में?
हाँ सर आसान था क्वेश्चन हाँ सर होने लायक था देखो इरोडोब में है वैसे क्वेश्चन बट पहले मैं नाम बताया था इरोडोब का तो तू कुछ और नहीं करता इजी क्वेश्चन है उतना डिफिकल्ट भी नहीं है इससे पिछले वाला जो दिया था वो एचसी वर्मा का शायद 65 या 66 में से कोई एक नंबर होगा चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इरेज करो हाँ सर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल अब किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है ये निकालने की कोशिश करते हैं सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ये एक डाइपोल है ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज ये है प्लस क्यू चार्ज ये मान लो सेंटर ऑफ डाइपोल है कोई भी इन जनरल पॉइंट तो यहां से आर डिस्टेंस टू किसी पॉइंट पी पर मुझे फील्ड और मुझे अभी पोटेंशियल निकालना है फील्ड बाद में मुझे पोटेंशियल निकालना है ये एंगल थीटा है ये पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं ए है अपने मन से तो उसमें से ये हो जाएगा ए डिस्टेंस एंड दिस विल बिकम अनदर ए डिस्टेंस तो ये जो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा और इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हाँ या ना हाँ सर अब ये है कि डाइपोल है तो डाइपोल का मतलब है दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मींस 2a बहुत छोटा होगा विथ रेस्पेक्ट टू r है ना डाइपोल का डेफिनेशन है इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस तो 2a इस r के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा मीन ये एंगल b ऑलमोस्ट थीटा के बराबर ही होगी यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें यहां पर नाम दे दो इसका नाम ए इसका नाम बी इसका नाम एम है ना तो इस पर भी कुछ परपेंडिकुलर डाल दो इसका नाम दे दो एम तो अगर स्मॉल आर बहुत बड़ा है टू ए के रिस्पेक्ट में यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट के बियॉन्ड ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल जाएंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज लिखेंगे माइनस के दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस डिस्टेंस कितना एपी पॉजिटिव चार्ज के कारण प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना तो बी टू पी तो यहाँ पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन b टू p डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन a टू p डिस्टेंस ऐसा कुछ होगा
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अब थोड़ा सा एप्रोक्सीमेशन को समझिए, 2a इज मच स्मॉलर देन r, तो जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखते हो पैरेक्सियल रे में लाइट रे पैरेलल है फिर भी एक जगह कन्वर्ज होता हुआ दिखता है। हाँ सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चालू हो गया ना? हाँ। तो ठीक वैसे ही ये दोनों पॉइंट पी पर कन्वर्ज होता हुआ दिखता है क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है, अदरवाइज स्मॉल r इस a के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इस पॉइंट के बियॉन्ड ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होगी। तो ये जो मेरा a टू b का जगह है ये r प्लस a m के बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b टू p को लिख देंगे r माइनस o m, इसको लिख देंगे r माइनस o m और a टू p को लिख देंगे r प्लस a m, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये a m इसकी वैल्यू a cos थीटा के बराबर होगी, ये डिस्टेंस ये a है और ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस a cos थीटा, सेम स्टोरी इसके साथ ये डिस्टेंस भी a cos थीटा, तो इसको हम लोग अब लिखेंगे q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus a cos theta minus 1 upon r plus a cos theta। LCM ले लीजिए तो q upon 4 pi epsilon naught denominator में नीचे हो जाएगा r square minus a square cos square theta a plus b into a minus b a square minus b square, ऊपर हो जाएगा r plus a cos theta minus r again minus minus plus to plus a cos theta, तो ये r cancel हुआ तो ऊपर हो गया twice of q into a into cos theta divided by 4 pi epsilon naught r square, r square को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 minus a by r cos theta का whole square, ऐसा होगा? यहां तक जितना लिखा है इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर। तो a by r 1 से बहुत छोटा है, 1 क्या 1 by 2 से छोटा है, तो a by r into cos theta और छोटा होगा, उसका whole square और छोटा होगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको neglect कर सकते हैं, तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ऊपर का टर्म हो जाएगा 2q a cos theta upon 4 pi epsilon naught r square, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा q into 2a, इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड q into 2a के बराबर होगा, बोलिए। हाँ सर। तो यहाँ पर q into 2a को डाइपोल मोमेंट लिख देते हैं तो ये हो जाएगा p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square, ये पोटेंशियल है पॉइंट p का फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। डाइपोल के कारण उसके सेंटर से r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल यही होगा, ये एक नया फॉर्मूला है जो पिछले चैप्टर में नहीं था, आपको याद रखना है, कॉपी कर लीजिए इसको।
लिख लिए? एक मिनट सर। Oh, yes, sir. Next class, kal hai, Sahib? हाँ sir. तो कल हम लोग डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और डाइपोल में और भी चीजें हैं वो खत्म करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में डाइपोल हम लोग आगे करेंगे. चलिए आज के लिए बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिए, छुट्टी. थैंक यू सर. बंद करूं? लिख लिया सबने? यार आने दो अभी.